ये स्टूडेंट वेलकम वंस अगेन। बच्चों इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 ट्रू और फॉल्स, ये आपको हम अच्छे से डिटेल में समझा देंगे ताकि आपको रटना ना पड़े। कभी भी ट्रू और फॉल्स ना रटना तो बिल्कुल भी मत, उसको समझ के ही करना या तो करना ही नहीं, रटोगे तो हमेशा एग्जाम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आइए मैं आपको यहाँ पर इसको एकदम डिटेल में समझा देता हूँ, और अगर आपने इंट्रो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो इंट्रो वाली वीडियो से आपको ये बहुत चीज़ें समझ में आ जाएंगी। उसके अलावा मैंने 1 से लेकर 5 तक के जो वीडियोज़ बनाए हैं तो उन सभी वीडियोज़ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ताकि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो और अगर वो वीडियो नहीं देखा तो जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल वीडियोज ऑफ चैप्टर 4 में क्लिक करना, तो आपको सारे के सारे वीडियो चैप्टर 4 के मिल जाएंगे। ठीक है, अब आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है इसको पहले तो रीड करेंगे और फिर समझेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन MN। ये जो लाइन MN है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम MN दे दिया है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था ना लाइन के बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको लाइन के बहुत सारे नाम भी बताया था, 12 नाम था एक सीधे से लाइन का। तो इसमें हम लोग को इस लाइन का नाम MN दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसको आपको देखो, से वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर, यानी कि ये जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, सही है या गलत है इस फिगर के कॉन्टेक्स्ट में, यानी कि इस फिगर को देख करके हमको इनके आंसर्स को बताना है। जैसे कि स्टार्ट करते हैं और पहला जो हमारा क्वेश्चन है ना ए नंबर का वो देखते हैं। तो ये में क्या बोला जा रहा है कि QMONP ये जो पॉइंट्स हैं ऑन द लाइन MN, ये कहाँ पे है, MN के अंदर में ही है, यानी कि उसी लाइन में है। ठीक है, अंदर मतलब कि उस लाइन में ही है। तो देखो QMONP ये क्या है हमारा, ये पूरा पॉइंट्स है, और कौन से लाइन में है, तो MN जो हमारा लाइन है उसी तो लाइन में है ना। यहाँ पर देखो अगर MN लाइन सेगमेंट बोला रहता है, यहाँ पर देखना भी सेकंड क्वेश्चन में आऊँगा उसको क्लियर करूँगा, लेकिन यहाँ पर हमको क्या बोला लाइन बोला है, तो लाइन का मतलब ही होता है कि इस साइड भी इन्फिनाइट चलते जाएगा और इस साइड भी इन्फिनाइट चलते जाएगा। तो उसके अंदर जितने भी जब आगे बढ़ जाएगा ना, M से आगे भी बढ़ जाएगा इधर है ना, इधर भी जब बढ़ जाएगा तो जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो उसी लाइन के ही कहलाएंगे, अलग से नहीं कहलाएंगे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो QMP है ना, ये जो बाहर में भी है, ये सभी भी क्या है, इस लाइन के ही पॉइंट से। क्लियर हो गया, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अब देखो आप सेकेंड वाला समझोगे ना तो और अच्छे से फर्स्ट वाला आपको क्लियर होगा। सेकेंड में क्या बोला जा रहा है कि MO और जो N है वो पॉइंट्स हैं लाइन सेगमेंट MN के। तो अब यहाँ पर बोला गया लाइन सेगमेंट, यहाँ पर लाइन यूज़ किया गया था वर्ड, यहाँ पर लाइन सेगमेंट किया गया है। मैंने बोला ना इंटरवल वीडियो में ये मैंने क्लियर किया है। तो देखो लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी को हम लोग लाइन सेगमेंट कहते हैं। जैसे कि M और N बोला है ना, तो यहाँ पर से M ले लो, यहाँ पर से N ले लो, बस इसी के बीच की दूरी को ही लाइन सेगमेंट कहेंगे। इसके अगर आगे चल जाओगे तो वो उसका लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा। यानी MN इसका मतलब कि बस यहाँ से यहाँ तक ही आपको देखना है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं देखना। क्लियर हो गया, तो यहाँ पर क्या बोला था, MO और जो N है वो इसके अंदर में ही है। तो यहाँ पर देखो MO और N इसी लाइन के अंदर में आ रहे हैं, यानी कि ये बिल्कुल सही बात है, MON जो है लाइन सेगमेंट MN के ही पॉइंट है। अगर यहाँ पर बोल देता ना कि Q भी इस लाइन सेगमेंट का पॉइंट है तो वो गलत हो जाता, क्योंकि Q जो है वो बाहर है, वो लाइन का तो पॉइंट है लेकिन लाइन सेगमेंट का पॉइंट नहीं है। और लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि जहाँ से जहाँ तक नाम दिया है ना बस वहीं तक आपको लेना है, तो Q नहीं होगा, बाकी जो जो चीज़ें दी हैं वो हैं यहाँ पर। तो ये जो है ट्रू बात है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो M एंड N आर इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट MN। अगर हम लोग MN लाइन सेगमेंट ले लें, लाइन नहीं ना लाइन सेगमेंट ले लें, तो उसका M और जो N है वो क्या है, इंड पॉइंट है। तो बिल्कुल सही बात है, देखो M इधर भी इंड पॉइंट है और इधर जो N है वो भी क्या है, इंड पॉइंट है। इसके आगे भी नहीं जाएगा और इसके इधर भी नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है, लाइन सेगमेंट है। ठीक है, तो MN अगर हम लाइन सेगमेंट ले लेते हैं तो M और N जो होगा उसका इन पॉइंट हो जाएगा, यानी कि लास्ट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसी को लाइन ले लेते हैं ना, यानी जैसे यहाँ पर जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में MN ही दिया लेकिन वो लाइन दिया हुआ है, दोनों साइड देखो एरो का साइन बना है ना, तो एरो का मतलब ही होता है कि वो लाइन है। तो MN में ये दोनों इंड पॉइंट नहीं कहलाते, क्योंकि जो लाइन होता है उसका कभी भी इंड पॉइंट नहीं होता है, ये आगे भी बढ़ता चला जाएगा, बस एरो के थ्रू इसको वहाँ पर रोका जाता है कि भैया इधर जगह नहीं हमारे पास, आप इतने में रुक जाओ, इतने में खूबसूरत दिख रहे हो, नहीं तो ये जो लाइन होता है वो एक्चुअल में दोनों साइड एकदम इन्फिनाइटली बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो लाइन सेगमेंट है, तो बिल्कुल सही है कि जो M और N है वो लाइन सेगमेंट MN के इंड पॉइंट है। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो डी में क्या बोला जा रहा है कि O एंड N आर इंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट OP। अब लाइन सेगमेंट OP पकड़ो आप पहले, तो यहाँ पर से उठाओ O को, यहाँ से पकड़ो हमने P को, तो OP जो है ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ना इसी को हम लाइन सेगमेंट OP कहते हैं। तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो O और N है वो इसका इंड पॉइंट है। तो देखो O और यहाँ पर है N, तो N इंड पॉइंट थोड़ी हो रहा है, जो P है वो ना इंड पॉइंट है, O तो इंड पॉइंट है ठीक है, लेकिन N नहीं है, N जो है बीच में आ रहा है, इंड नहीं हो रहा है। इंड कहाँ पर हो रहा है, ये P में हो रहा है, OP ने बोला था हमको, तो P में इंड हो रहा है, तो N यहाँ पर इंड पॉइंट नहीं होगा, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया हमारा।
ठीक है, तो यहाँ पर आप फॉल्स लिख दो, फॉल्स यानी कि गलत। अगला देखो ई में क्या बोला जा रहा है, एम इज़ वन ऑफ द इंड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू ओ, यानी कि जो लाइन सेगमेंट क्यू ओ है उसका इंड पॉइंट एम होगा। तो अगर यहाँ पर हमको क्या बोलते हैं डायग्राम नहीं भी दिया रहता ना, तो आप क्वेश्चन को पढ़ के ही समझ सकते हो कि देखो क्यू और ओ है, इसका मतलब कि एक पॉइंट हमारा क्यू होगा, दूसरा पॉइंट ओ होगा, यही दोनों क्या होंगे उसके इंड पॉइंट होंगे, क्योंकि ये लाइन सेगमेंट है। तो एम तो उसमें आएगा ही नहीं, एम बीच में आ सकता है लेकिन इंड पॉइंट नहीं हो सकता, तो ये तो ऐसी फॉल्स है। बाकी आपको मैं डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। देखो ये हो गया हमारा क्यू, ठीक है, ये हो गया ओ, यहाँ से यहाँ देखिए जो दूरी है ये क्या कहलाएगी, लाइन सेगमेंट क्यू ओ कहलाएगी। जो एम अब आ रहा है ये तो इसके बीच में आ रहा है, इंड तो कर नहीं रहा है इसको, इंड कौन कौन सा होगा, क्यू होगा और ओ होगा, तो एम जो है वो मिड पॉइंट है, बीच का पॉइंट है, इंड पॉइंट नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। आगे देखो एफ है ना, क्वेश्चन नंबर एफ में क्या बोल रहा है, एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी, यानी कि अगर हम लोग रे ओ पी ले लें तो उसी में जो एम है ना वो एक पॉइंट है। तो देखो ओ पी कहाँ से कहाँ तक शुरू हो रहा है, तो ओ पी का मतलब ही क्या होता है, रे का मतलब होता है कि एक साइड से वो शुरू हो रहा है उसके पीछे नहीं जा रहा है और दूसरे साइड में वो इन्फिनिटी चलते जा रहा है, उसको हम लोग रे कहते हैं, ठीक है। तो देखो पी के साइड एरो का साइन लगा है ना, इसका मतलब कि ये इधर चलते जा रहा है ओ से शुरू होकर के, ओ के पीछे का हमको नहीं लेना, ये ध्यान रखना, क्योंकि जो लाइन रे होता है उसका एक जो होता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो बस एक साइड चलते चला जाता है। लाइन जो है वो दोनों साइड चलते चला जाता है, रे एक साइड चलते चला जाता है, और जो लाइन सेगमेंट होता है वो दोनों के बीच का पॉइंट होता है, यानी कि वो दोनों साइड आगे पीछे नहीं जाता, वो बस जहाँ से जहाँ तक बोला जा रहा है ना वहीं से वहीं तक रहता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखो ओ पी जो हमारा रे है वो कहाँ है, ये रहा ओ और इधर है पी, यानी कि यहाँ से शुरू होकर के ये आगे चलते जा रहा है, ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि जो एम है वो पॉइंट है ओ पी में, तो देखो एम किधर है, पीछे है, और हम जानते क्या है कि जहाँ से शुरू हो गया उसके पीछे और रे कभी नहीं आता है, वो रे एक ही साइड चलता है। तो ये जो है एम है ना वो लाइन में तो आ रहा है, ठीक है, उसके अपोजिट साइड आ रहा है लेकिन उस रे में नहीं है। रे का मतलब ही है कि वो ओ से शुरू हो रहा है, इधर उसके लिए कुछ है ही नहीं, इसका मतलब ही कुछ नहीं है, ठीक है। तो एम जो है वो ओ पी में नहीं है, वो ओ पी के क्या है, बाहर है, ठीक है। एन जो है ना वो ओ पी के अंदर आ जाएगा, ये कहला सकता है एन ओ पी के अंदर, लेकिन एम जो है वो बाहर है बिकॉज ये ओ से स्टार्ट हो रहा है रे। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर आपको डायग्राम देखिए समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसमें देखिए समझ में आ रहा होगा, पी के साइड एरो बना हुआ है, इसका मतलब ये पी के साइड आगे जा रहा है और पी के साइड आगे जा रहा है इसका मतलब इधर वो खत्म हो गया, ओ से इधर आएगा ही नहीं, तो एम जो होगा इसका पॉइंट नहीं कहलाएगा, ये हमारा क्या फॉल्स है, ठीक है। आगे चलते हैं जी नंबर में क्या बोल रहा है कि जो रे ओ पी हमारा वो क्या डिफरेंट है फ्रॉम रे क्यू पी, ठीक है, देख लेते हैं। तो ओ पी जो है यहाँ पर देखो, ये जो हमारा रे है ओ पी, यहाँ ओ से शुरू हो रहा है और पी के साइड जा रहा है, और दूसरा कौन सा है क्यू पी, तो ये क्यू से शुरू हो रहा है और पी के साइड जा रहा है, जा तो दोनों सेम ही डायरेक्शन में रहे हैं लेकिन ओ यहाँ से शुरू हो रहा है इधर जा रहा है और क्यू यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, आपस में डिफरेंट ही कहलाएंगे। एक लाइन में भले एक सीधी लाइन में जा रहे हैं लेकिन ओ का एंडिंग पॉइंट ये है और क्यू पी का एंडिंग पॉइंट ये है, तो दोनों डिफरेंट लाइन डिफरेंट रे कहलाएंगे। क्लियर हो गया। भले सीधी लाइन में जाए लेकिन अगर अलग अलग एंडिंग पॉइंट है तो फिर वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या हमारा यहाँ पर ट्रू है, यानी कि ये दोनों आपस में डिफरेंट हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी एच नंबर में, रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, यानी कि जो ओ पी है और ओ एम है वो दोनों क्या है, सेम है। तो फिर देख लेते हैं, ओ पी जो है इधर जा रहा है और ओ एम किधर है, अपोजिट साइड में जा रहा है। देखो ओ एम यानी कि यहाँ से शुरू होकर के एम की तरफ ये बढ़ते चला जा रहा है, ठीक है। ओ एम बोला है ना, तो एम के साइड यहाँ पर एरो का साइन है, इसका मतलब ये इधर बढ़ रहा है और ओ से वो स्टार्ट हुआ है, तो ओ पी इधर जा रहा है और ओ एम इधर आ रहा है, तो ये सेम कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा, ये दोनों भी क्या है, अलग है, सेम नहीं है, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। सॉरी एफ लिखना है, एफ ए एल एस ई, ठीक है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन क्या है आई नंबर में, तो रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, यानी जो ओ एम है ना वो ओ पी के अपोजिट नहीं है। तो देखो तो ओ पी इधर जा रहा है और ओ एम जो है इधर आ रहा है, यानी है तो दोनों अपोजिट साइड में, एक इधर है तो एक पीछे साइड, एक आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, तो इसको हम लोग अपोजिट ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या कर दिया, यूज़ नॉट अपोजिट, इसका मतलब कि ये जो बोल रहा है वो गलत है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये बोला रहता कि ओ एम और ओ पी जो है अपोजिट है तो ये सही रहता, लेकिन क्या बोल दिया कि नॉट अपोजिट, अपोजिट नहीं है, तो ये क्या है फिर, गलत बात है, दोनों अपोजिट साइड है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया यहाँ पर से। क्लियर हो गया। आगे देखो क्या बोला जा रहा है ओ नंबर में, सॉरी जे नंबर में, कि ओ इज़ नॉट एन इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, जो ओ है ना वो इनिशियल पॉइंट नहीं है। इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, शुरू होने वाला। तो ओ पी में जो देखो
पी के साइड ही आगे बढ़ रहा है और ओ से ही क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ओ के साइड कुछ भी नहीं, नैरो का साइन, इसका मतलब ओ से वो शुरू हो रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यानी कि ये तो गलत है। ओ पी में जो है ना हमारा ओ से ही स्टार्ट हो रहा है। देखो ओ पी जो लाइन रे जा रहा है हमारा, तो ओ जो होगा वो इनिशियल पॉइंट कहलाएगा, स्टार्टिंग का पॉइंट कहलाएगा, क्योंकि ओ से ही स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर क्या बोल दिया है कि नॉट एन इनिशियल पॉइंट, यानी कि इनिशियल पॉइंट नहीं है। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये जो ओ पी में ओ जो है ना वो इनिशियल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर नॉट कर दिया है, इसीलिए भी क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, के नंबर में क्या कहा गया हमसे कि एन इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी एंड एन एम, यानी कि जो हमारे रे हैं एन पी, तो देखो एन पी कौन है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इधर बढ़ते जा रहा है, तो ये हमारा एन पी कहलाएगा। ठीक है, और एन एम जो है ये यहाँ से शुरू हो रहा है और इधर जा रहा है। ठीक है, तो दोनों में क्या हो रहा है, शुरू एन से ही हो रहा है, क्योंकि हमारा जो एम के साइड, देखो इधर एम के साइड एरो का साइन है, यानी कि इधर बढ़ते जा रहा है, और इधर पी के साइड एरो का साइन, यानी कि इधर बढ़ते जा रहा है। शुरू किधर से हो रहा है, एन से ही हो रहा है। इसका मतलब जो एन है ना वो दोनों का इनिशियल पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, इधर के लिए भी स्टार्टिंग पॉइंट है और इधर के लिए भी, एन पी के लिए भी और एन एम के लिए भी। तो दोनों के लिए जो एन है वो क्या है, इनिशियल पॉइंट है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू बात है। इसमें आप क्या कर दो, ट्रू कर दो। इस तरीके से हमारे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है कंप्लीट होता है। आई होप आपका डाउट पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला एक्सरसाइज है ना उसको भी मैं आपको इसी तरीके से डिटेल में समझा दूंगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।